मैम सुहा आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से साहो के 3 दिन के ट्रेड फिगर के बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि ये फिल्म आज लगभग 30 करोड़ तक इसने कमाई की है, वो भी ट्रेड फिगर ये कह रहा है, तो आप जरूर सट्टे में पड़ जाओगे। आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई कैसे पॉसिबल हुआ। कुछ तर्क है जो मैं आपको बताऊंगा, शाम के प्रेडिक्शन में मैंने बताया था और मेरे जो आर्टिकल में मैंने मेंशन किया था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने ये कहा था कि तीसरे दिन की जो ऑक्युपेंसीज होगी वो नाइट की वो अच्छी होंगी या जो नॉर्मल संडे की ऑक्युपेंसी उससे बेहतर होगी, क्योंकि ये फिल्म का जो क्योंकि मंडे को छुट्टी है कहीं ना कहीं, तो लोग संडे को देखेंगे पिक्चर, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ हुआ है। और उसकी नाइट की ऑक्युपेंसी का जो हाल नजर आ रहा है उस हिसाब से ये फिल्म का रेशियो क्या है, चलिए आपको बताता हूँ ट्रेड क्या कह रहा है। ट्रेड ने सबसे पहले दो चीज की थी, पहले और दूसरे दिन का कलेक्शन क्या बताया था, पहले दिन का बताया था 24 करोड़, फिर दूसरे दिन का बताया था 23 करोड़। अब ट्रेड क्या कह रहा है, पहले दिन का कलेक्शन बताया ट्रेड 25.25 करोड़, यानी कि ट्रेड ने 1.25 करोड़ का इंक्रीज किया, और दूसरे दिन का जो कलेक्शन बताया था ट्रेड ने वो 23 करोड़ बताया था, जो बढ़ाकर उसे कर दिया है 24.50 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ का इंक्रीज किया है दूसरे दिन के कलेक्शन में भी, यानी कि 3 करोड़ का खुद उसने इंक्रीज किया है ट्रेड ने। ट्रेड भी कुछ भी ऐसी कर रहा है, 49.75 करोड़ का कलेक्शंस ट्रेड का कहना है दो दिन का, और 3 दिन का टोटल ट्रेड बता रहे एस्टिमेट्स के साथ कि ये 79.80 करोड़, यानी कि लगभग 29 से 30 करोड़ आज फिल्म में कमाया है लगभग, और इसका कलेक्शन 79 से 80 करोड़ के बीच में होगा। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स का जो लॉजिक हमें पता ही है, 49.60 करोड़ दो दिन का है, यानी कि जो 30 दिन का कलेक्शन अगर 30 करोड़ तक आया तो साफ है कलेक्शन का रेंज वो भी सिमिलर होगा 79 से 80 करोड़, यानी कि यहाँ पर फिल्म का जहां तक मुझे नजर आ रहा है चीजें, जो प्रोड्यूसर्स फिगर है उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड फिगर, तो ये बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ है कि फिल्म अच्छी खासी चल रही है, और यहाँ पे जो हेटर्स है ट्रोलर्स है उनके जबान पे जो बोलते हैं जिप वो ऑफकोर्स लग गई होगी, और जो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा कमाएगी नहीं, और जो डाउट था वो इस फिल्म ये फिल्म डाउट चेंज करे, यानी कि यहाँ पे एक बड़ी बात बता दो सिंपल तरीके से, वो याद रखिएगा। कई लोगों ने कहा कि मतलब है ना कि भाई नॉर्थ में क्रिटिक्स सपोर्ट नहीं कर रहे इस फिल्म को, है ना, क्रिटिक्स सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्रिटिक्स जाए भाड़ में, यहाँ पर नॉर्थ में जनता सपोर्ट कर रही है इस फिल्म को, तो टेंशन मत लीजिए। साहो एक ऐसे एक्टर की फिल्म है जो है प्रभास, और प्रभास नेशनल हीरो ऑलरेडी है, ठीक है, बाहुबली के बाद प्रभास एज ए नेशनल हीरो इंटरनेशनल स्टार, एंड यू कांट डिनाई हिम, और इतना बड़ा फुटफॉल्स, इतनी बड़ी ग्रोथ, बड़े से बड़ी जो फिल्म इस साल रिलीज हुई उसका जो वीकेंड कलेक्शन उससे ज्यादा बढ़िया इस फिल्म का कलेक्शन आ रहा है, किसका, साहो का, जस्ट फॉर हिंदी वर्जन, दैट शोज द काइंड ऑफ लव ऑडियंस आर गिविंग टू दिस फिल्म, सो कीप सपोर्टिंग गुड सिनेमा विच आई ऑलवेज से एवरीवन। सो आप कितने खुश है कि इस फिल्म का 29 से 30 करोड़ का ग्रोथ, आई मीन ट्रेड कह रहा है, और ये कलेक्शन 79 से 80 करोड़ के बीच में आएगा कल, तो कल कलेक्शन ऑफिशियल जब आएगा तो बहुत खुशी होगी बताने में, लेकिन आप कितने खुश हो बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बहुत लोग को मेरी नोटिफिकेशन वीडियोज की नहीं मिलती है। चलिए फिल्म कितना ही।